इतनी गर्मी में कड़ी मेहनत करना, अरे छोड़ो। क्लास पापा हमेशा खेलता रहता था और सारी मेहनती चीजों का मजाक बनाता था। सर्दियों में वो खाने की कमी को लेकर पछताता था। तुम्हें भी उन चीटियों से कोई ना कोई सबक सीख लेना चाहिए। नो बताओ। अरे रुको डोरेमोन, अब तो मर मत रखा। लेकिन किस पर? नो बताओ। अरे यहाँ पर एक चीटी है। क्या? अरे अरे हाँ, ये तो पंख वाली चीटी है। पंख वाली? इसके पंख है ना, तो ये चीटियों की रानी बन गई। क्या कहा, रानी? अरे इसके पंख तो गिर गए। डोरेमोन अब क्या होगा? फिक्र मत करो, ये किधर है जिससे यहाँ एक कॉलोनी बन जाए। मैं तो डर गया था, लेकिन ये एक मुसीबत है। तो यहाँ कॉलोनी नहीं बना सकती। नोबिता, अगर हम इसे यहीं पर रखे तो अंडे नहीं दे पाएंगी। क्या, फिर तो ये बुरी बात है ना। चलो डोरेमोन, इसे बाहर ले जाते हैं। चलो आ जाओ, चलो उतर जाओ। अब तुम अच्छे से अंडे देना, ठीक है? चलो नोबिता, अब हम अंदर चलते हैं। नहीं, मुझे यही बैठकर इस चीटी को देखना है। नहीं ठीक है फिर। इस बटन को दबाते हुए तुम कुछ शूट कर सकती हो और ये मिरर उसे रिकॉर्ड करता रहेगा, चाहे वो कहीं पर भी चले जाए, जिससे तुम्हें चीटी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुको डोरेमोन, मुझे जरा वो मिरर तो दिखाओ। मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, जब तुम चाहो उस मिरर को देख सकते हो। लेकिन मुझे अभी देखना है। नोबिता, तुम्हें होमवर्क मिला है ना, जाओ उसे अभी के अभी पूरा करो। ठीक है ठीक है, मैं जल्दी होमवर्क पूरा करता हूँ, फिर मैं उस चीटी को देख सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। क्यों? ये डरावना है। अरे नहीं, तुम्हारे बहुत नखरे हैं। डाल को वापस घुमाकर फैंटा फिल्टर डालते हैं। क्या, फैंटा फिल्टर? इस फिल्टर की मदद से ये फोटो बिल्कुल बच्चों की स्टोरी बुक की तरह बन जाएगी। ये तो बहुत सुंदर है। अब ये ठीक लग रहा है ना? उसने तो कितने सारे अंडे दिए हैं। ये इतने सारे अंडे इसलिए दे सकी क्योंकि तुमने इसे नई जगह में जाने में मदद की। मुझे तो जाना है, लेकिन ये कॉलोनी कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ। आप डाल को और घुमाओ और हमारे बैकयार्ड में। वो इस पेपर प्लांट के नीचे है। मिल गई। अब इन सारी चीटियों का एक नया राज्य बन जाएगा नोबिता। हाँ, अब हम दोनों इस चीटियों के राज्य की रक्षा करेंगे। हाँ। अरे वाह, ये अंडे से बाहर आ गया। इस तरह छोटा सा परिवार धीरे धीरे कितना बड़ा बनता जा रहा है। और इसी तरह इस राज्य में एक दिन हजारों चिट्ठियां रहने लगेंगी। अरे वाह, वो कितना बड़ा टुकड़ा लेकर जा रहे हैं। वो सच में कितने तक? मैंने तो सोचा था कि मैं इसे मेहनत के बारे में समझा सकूंगा, लेकिन ये तो और आलसी बन गया। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। नोबिता कहाँ गायब हो गया? अरे नहीं, तुम कहाँ गायब हो गए थे? डोरेमोन, लगता है ये चीटियाँ बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। क्या? ये तो अच्छी बात है कि हमारा राज्य बढ़ रहा है, लेकिन हमारे लिए खाने की कमी हो रही है। इस तरह तो राज्य की सारी चीटियाँ भूखी रह जाएंगी। सुनो डोरेमोन, क्या हम चीटियों की मदद कर सकते हैं? क्यों ना हम इनके लिए बड़े होकर खाने की मदद लेकर आए। अरे नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पर क्यों डोरेमोन? अच्छा होगा अगर वो अपनी परेशानी का हल खुद निकाले और खुद अपना खाना ढूंढे। लेकिन तो फिर डोरेमोन, हम छोटे होकर ही उन्हें उस जगह ले जाते हैं जहाँ खाना मिल सकता है। कैसा रहा ये आइडिया? अरे नहीं, क्या तुम्हें पता है कि खाना कहाँ हो सकता है नोबिता? हाँ बिल्कुल, चलो हमारे घर चलो। अगर वो भी हमें नहीं देखा ना, सब कुछ ठीक है। वाह, हमारा घर कितना बड़ा है।
क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हो गए ना, इसलिए। ठीक है, अब सब साथ मिलकर चींटियों के लिए खाना ढूंढते हैं। ये क्या है डोरेमोन एक टनल? ये चप्पल है नोबिता। अब ये मत कहना ये न्यूज़पेपर है, इसके वर्ड्स इतने बड़े हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा। तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब जल्दी चलो, हम लोग खाना ढूंढने आए हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ करना। लगता है उन्हें कुछ मिल गया है, चलो। कोई आवाज तो नहीं? अरे नहीं, कोई तो अंदर आ रहा है। हाँ? मैं चाय के बारे में भूल ही गई थी, चाय ठंडी हो रही है। हम कितने पास थे ना नोबिता, क्यों नोबिता मैंने नोबिता कहाँ है? अरे सुपरमार्केट की सेल आज लगने वाली है क्या? चलो बच गए। अरे नहीं, वो तो कल है। मैं भी ना। हाँ बहुत अच्छी चाय है। हम बच गए। पता है डोरेमोन, मॉम मुझे चाय के साथ पीने वाली थी। हाँ हमें नया खाना मिल गया। खाना देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ ना डोरेमोन। डोरेमोन जल्दी हमारी मदद करो डोरेमोन। ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। हैं तुम्हारे दोस्त? हाँ अरे ये भी चीटियां नहीं है। तुम सब दूसरी कॉलोनी से आए हुए जासूस हो ना, ले चलो इन्हें। हम सबको इस तरह से बांध कर ये कहाँ ले जा रहे हैं नोबिता? शायद ये लोग हमें अब खा जाएंगे। ये बिल्कुल पसंद नहीं है। खबरदार, होशियार, रानी आ रही है। रानी? ये तो वही रानी है ना जिसने मैंने बचाया था। हाँ नोबिता। रानी जी आप मुझे जानती है ना? हाँ बिल्कुल नोबिता, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। सुनो इन सबको जल्द से जल्द छोड़ दो। हाँ शुक्रिया है हम बच गए। सुनो नोबिता, अगर तुमने उस दिन मेरी जान नहीं बचाई होती तो ये राज्य कभी बना ही नहीं होता। शुक्रिया नोबिता, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानी साहिबा आप बहुत अच्छी हैं। खाने का मजा लीजिए। रानी साहिबा अपना राज्य बड़ा बनाना और हमेशा खुश रहना, ठीक है? नोबिता तुम भी अपना ख्याल रखना, सबसे मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। लगता है शायद तुम मेरे से बोर हो गए हो नोबिता। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो लड़का चीजों से इतनी जल्दी बोर हो जाता है वो मेरे से अब तक बोर नहीं हुआ। यकीन ही नहीं होता। तो तुम्हें किस बात पर यकीन होता? किसी पर भी नहीं। अब थोड़ी गर्मी लगने लगी है। सही कहा तुमने। अजीब बात है, पिछले साल ही मुझे मेरे कमरे में एक पंख वाली चींटी मिली थी। डोरेमोन वो मेरा देना। आखिर तुम्हें याद तो आया। पता नहीं उस राज्य का क्या हाल हुआ होगा। कहिए बहुत सारे राजा और रानी बने हैं राज्य में। नोबिता जल्दी बाहर चलो।
ये सब तो उस रानी के बच्चे हैं, है ना डोरेमोन? हाँ, वो सब एक नया राज्य बनाने के सुपर पर जा रहे हैं। एक दिन ये सब बड़े होकर अपना खुद का राज्य बनाएंगे। बताइए, तुम पर भी लागू होता है क्या? तुम हमेशा बच्चे बने नहीं रह सकते, तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, मैं अपना होमवर्क करता हूँ।